सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। ट्रक और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत, दो की मौत, तीन घायल। यूपी के हमीरपुर जिले में NH-34 में बोलेरो और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां नाजुक हालत में कानपुर रिफर कर दिया गया। मामला सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई तिराहे के पास मरीज को लेकर जा रही बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बोलेरो के परचक्के उड़ गए और मौके पर दो लोगों की मौत भी हो गई। बोलेरो चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग सुरक्षित हैं। एक एक्सीडेंट का मामला आया, क्या मामला है पूरा? ये संज्ञान में आया है कि हमीरपुर रोड पे यमुना ब्रिज से पहले सेवाश्रम नर्सिंग होम के सामने बोलेरो और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें बोलेरो में 5 लोग सवार थे, जिनमें जिला चिकित्सालय पुरुष हमीरपुर में इमरजेंसी में 3 लोग लाए गए, 2 लोग उसमें मृत अवस्था में लाए गए, जिनका नाम है जगत पुत्र राम सिंह, उम्र 50 वर्ष, ये भौनिया सुमेरपुर हमीरपुर के रहने वाले हैं। दूसरे हैं शिव पूजन पुत्र संतु, 25 वर्ष, ये भदौरा छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति संजय पुत्र जगत, 28 वर्ष, भौनिया सुमेरपुर हमीरपुर, ये अत्यंत घायल अवस्था में लाए गए। इमरजेंसी में इनका जो उपचार है वो किया गया और इनको कानपुर हेलेट के लिए रेफर कर दिया गया है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।